सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह है और रॉकस्टेड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल है। फंडामेंटल एनालिसिस बाजार में करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। राजेश जी, लगातार गिरावट प्रेशर हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन हर चीज का बाजार में लॉस हो रहा है। आप जरा ये बताइए 24,000 बच पाने की संभावना कितनी दिख रही है, क्या ये खतरे में लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, 24,000 बच पाना या ना बच पाना ये अभी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और ये चौथा कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे निफ्टी अब रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। अगर हम लास्ट 4 साल का डेटा देखें कोविड के बाद से, तो ये दूसरी बार होता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पे निफ्टी चौथे वीक में रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो जबकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मैक्रो इंडिकेटर्स में इतना ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, इकोनॉमी में कोई इस तरीके के कोई नेगेटिव साइन नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके की सप्लाई प्रेशर आना, ये मार्केट में एक जरूर चिंता यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें जिस तरीके से आज इंडसइंड बैंक का रिएक्शन देखने को मिला रिजल्ट के बाद, 20% किसी एक लार्ज कैप बैंक का गिरना, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि मार्केट में ऐसा क्या नेगेटिव है जो मार्केट पहले से उसको अभी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने अपने 50-day 100-day मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अब निगोशिएट करते हुए तोड़ते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से हमें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, अब 200-दिन का मूविंग एवरेज एक नेक्स्ट रे ऑफ होप है जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दूर है। तो 24,000 यहाँ पे बचेगा ना बचेगा, डेटा तो बताता है कि शायद नहीं बचे और फर्दर सेलिंग प्रेशर भी आते हुए दिखे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रिलीफ, इतने ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रही। शॉर्ट्स अभी भी एग्रेसिव है और कहीं भी कोई शॉर्ट कवरिंग के साइन यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहे। तो ये लगता है कि 24,000 इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो हो सकता है कि हमें टूटता हुआ दिखे, क्योंकि जब तक कोई शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल नहीं होंगे तो बिल्कुल क्लियरली है कि एविडेंट है कि ये लेवल भी टूटेंगे। और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है, ये मंथ में ही अगर हम देखें तो निफ्टी 7% करेक्ट हुआ है मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो, और बैंक निफ्टी 5% करेक्ट होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में भी 51,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी टूटते हुए दिखा, हम 50,500 के नीचे भी फिसल चुके हैं। तो हमें लगता है कि चौतरफा सेलिंग जिस तरीके से बनी है, तो अब बायर्स तो भले ही स्टॉक्स, काफी स्टॉक्स जो एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव लेवल्स पे, जो कि एक बहुत टाइम से जो मिस आउट कर रहे थे कि हमें ये भाव पे स्टॉक मिलेगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन वो आते हुए भी यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस अब डगमगा चुका है। तो हमें लगता है कि जब तक कोई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं साइन बनते, जब तक बायर्स तो वापस अभी लौटेंगे नहीं, और हो सकता है कि ये दबाव मार्केट में रहे। मार्जिन की भी काफी आज सेलिंग देखने को मिली है, जिस तरीके से सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद से एक सप्लाई दिखा रहा था, वो क्लियरली इंडिकेशन था कि जहाँ लिवरेज पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन होते हुए दिखी, वहां पे भी एक सप्लाई उसके चलते भी बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है अभी माहौल तो मार्केट का भी वीकनेस का ही दिख रहा है, और इस तरीके के फेस्टिवल के पहले इस तरीके का माहौल होना, तो थोड़ा सा मार्केट घबराया हुआ है, सेंटिमेंट वीक है और हमें लगता है दबाव रहेगा। हो सकता है हम 24,000 के लेवल को भी तोड़ दे, क्योंकि अगर आज की क्लोज अगर 24,150 24,200 के आसपास नहीं होती तो हमें लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंशन होगा सेलिंग का। हो सकता है कि हमें थोड़ा और सप्लाई प्रेशर देखने को मिले आगे आने वाली वीक में भी। राजेश जी, बहुत सही आपने एडवाइस यहाँ पर दी है और सही तरीके से बताया है। 24,000 अब एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है, क्योंकि इतनी गिरावट नज़र आ रही है, यहाँ से और ज़्यादा गिरावट भी आएगी तो कोई सरप्राइजिंग शॉक नहीं मिलेगा। इतना गिर चुका है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार। एक और चीज़ आपने कही, कॉन्फिडेंस डगमगाया है और डगमगाना भी चाहिए अगर आपाधापी में आपने मार्केट में एंट्री ली है, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो में एक तरह से या बाजार में एक तरह से पैनिक या यूफोरिया जो है वो सडन ही आते हैं, और जब आते हैं तो पछाड़ने वाले ही आते हैं। ऐसे में अगर आपने अच्छे स्टॉक्स का चयन करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने आपाधापी में मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ मोमेंटम को प्ले करने के लिए स्टॉक्स में एंट्री ली है फिर डरने की जरूरत है। दिवाली से पहले भारी गिरावट ने निवेशकों का मूड तो बिगाड़ ही दिया है। FIIs की बिकवाली से लगातार गिरावट का दौर जारी है और निफ्टी अब 24,000 के लेवल को भी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है एक तरह से।